सर, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम हमारे Redmi Note 8 Pro में भाई हाइड्रा कर्नल का जो नया कर्नल अपने Redmi Note 8 Pro के रिलीज हुआ है गाइस, उसे अपने Redmi Note 8 Pro में कैसे फ्लैश कर सकते हैं। अब भाई मैं यहाँ पे ये बता दूं कि भाई ये जो हाइड्रा कर्नल है ये आज ही रिलीज किया गया है गाइस, और ये वाला जो कर्नल है भाई ये मैंने भी बनाया है। भाई यहाँ पे देख लो कि डेवलप्ड बाई भाई यहाँ पहला जो नाम है वो मेरा ही नाम है गाइस। और गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई हम इस वाले कर्नल को अपने Redmi Note 8 Pro में कैसे फ्लैश कर सकते हैं। अब गाइस फ्लैश करने से पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं कि भाई ये वाला जो कर्नल है ये आपको MIUI में भी सपोर्ट करने देखने मिल जाता है। अब गाइस MIUI में यार मतलब कि भाई MIUI 12.5 में भी सपोर्ट देखने इसमें आपको मिल जाता है। चेंज लॉग जो है वो देखने मिले हैं गाइस, तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ उसके ऑफिशियल XDA वाले पेज पे। और गाइस अगर आप यहाँ गूगल में भी सर्च करोगे भाई यहाँ पे हाइड्रा कर्नल XDA बेगोनिया करके गाइस जो हमारा डिवाइस का कोड नेम है, या फिर गाइस Redmi Note 8 Pro सर्च करोगे यहाँ पे, तो गाइस आपके पास जो है ये वाला जो लिंक है वो आ जाएगा भाई। या तो XDA में यहाँ पे गाइस देख लो कि ये जो लेटेस्ट पोस्ट है गाइस आप डायरेक्टली इस पे आ सकते हो, और गाइस नहीं तो भाई यहाँ पे आपको डायरेक्टली डाउनलोड लिंक भी जो है वो भी देखने मिल जाता है। तो गाइस हम ये वाला भी बात करेंगे अभी, बट गाइस पहले बात करते हैं भाई कि क्या क्या अपने को यहाँ चेंज लॉग जो है वो देखने मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे देख लो कि पहले डिस्क्रिप्शन जो है वो डला हुआ है भाई कि हाइड्रा कर्नल जो है गाइस उसमें आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप गाइस, और दूसरा बात है भाई एक पावरफुल गेमिंग एक्सपीरियंस देखने मिल जाता है। अब गाइस बैटरी बैकअप का अगर मैं बात करूँ तो भाई मैंने पर्सनली भी इस कर्नल को मैं पिछले 4-5 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ गाइज, क्योंकि अभी 4-5 घंटे पहले ही हम लोगों ने मिलकर बनाया है, मतलब मैंने और रिश्ता ने मिलकर बनाया है इस कर्नल को, तो भाई मैं भी यूज़ कर रहा हूँ भाई। और इस पावरफुल गेमिंग एक्सपीरियंस की तो भाई गेमिंग का तो भाई मैंने अभी तक करा नहीं है, बट इतना जरूर बता सकता हूँ गाइज की गेमिंग जो है वो आपको काफ़ी अच्छा इसमें देखने मिल जाता है। क्योंकि गाइज इसमें जो है कुछ भी एप्स वगैरह चला रहे होंगे तो कभी आप गाइज गेम खेलोगे तो भाई आपका जो कोर है वो सारा जो कोर है वो हाइएस्ट नंबर पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। और गाइज जब आप नॉर्मल यूट्यूब या इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होगे गाइज तो आपका जो कोर है वो लोएस्ट नंबर पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, जिसके कारण गाइस आपका बैटरी भी बचेगा और गेमिंग के टाइम में गाइस आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने मिल जाएगा। तो गाइस इसीलिए भाई ये वाला कर्नल जो है हम लोगों ने मिलके बनाया, और गाइस अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या और चेंज लॉक्स जो है वो देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस देख लो फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाइस तीनों फीचर जो है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है गाइस, कि जब आप बेटर बैटरी होता है और गेमिंग वाला अगर छोड़ दे तो भाई यहाँ पे देख लो कि मैंने इसको इसे भी अभी डिटेल में एक्सप्लेन किया गाइस, जो कि था बेटर कोर अलॉटमेंट। तो भाई बेटर कोर अलॉटमेंट मैंने पहले ही अभी बताया कि भाई जैसे अगर आप गेमिंग करोगे तो भाई आपके आपका जो सारा कोर है वो ऑटोमेटिकली अपस्ट्रीम हो जाएगा, और गाइस जैसे ही आप नॉर्मल टास्क करने आओगे तो उसके बाद गाइस आपका जो कोर है वो डाउनस्ट्रीम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आगे अगर बात करें तो भाई यहाँ पे पहला जो तीन है मतलब बेसिकली गाइज ये एंड्रॉइड 12 को सपोर्ट करता है, क्योंकि गाइज ये वाला जो कर्नल है ये मैंने ही बनाया है और भाई एंड्रॉइड 12 के डिवाइस ट्री पे बनाया गया है, तो इसीलिए गाइज ये जो है एंड्रॉइड 12 को सपोर्ट करता है। और गाइज मैंने बाद में फिर इसे टेस्ट करा तो भाई ये MIUI को भी सपोर्ट करता है, जो कि गाइज एक अच्छी बात है गाइज, आप MIUI पे भी इस वाले कर्नल को फ्लैश करके यूज कर सकते हो। अब गाइज अगर आ रहे तो भाई इन इशिता ने यहाँ पे ओके मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो यहाँ पे गलत कर्नल का, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अब गाइज बात करें यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, तो इन्होंने डाल करके रखा है भाई, जैसे कि हम लोगों को पता भी है और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भी कि भाई इंस्टॉल कैसे करना है, बट फिर भी यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे है गाइस कि लिखा है कि रिकवरी में जाना है, जो कि गाइस अपन वैसे भी करेंगे ही, बाकी गाइस कर्नल वगैरह डाल करके फ्लैश कर लेंगे। चलते हैं भाई देखते हैं कि इसका जो प्लिंक कहाँ से डाउनलोड करना है गाइस। तो डाउनलोड करने के लिए भाई आपको जो है आ जाना है इस वाले वेबसाइट पे, और यहाँ पे गाइस देख लो कि हाइड्रा कर्नल जो है वो बेगोनिया AOSP के लिए यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है गाइस, जो कि इशिता के द्वारा रिलीज किया गया है गाइस, और डेवलपर भाई मैं ही हूँ, क्योंकि ये वाला जो गिटहब प्रोफाइल का लिंक है गाइस ये मेरा ही है, और डिवाइस ट्री भी भाई मैंने ही अपलोड करा है। यहाँ पे आप देख लो कि भाई यहाँ पे जो कर्नल वर्जन है वो है लिनक्स वर्जन का गाइस 14.4.14.290। अब गाइस अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले जो कर्नल जो रिलीज हो रहे हैं गाइस, जो कि एज़्योर बेस्ड रह रहे हैं या फिर दूसरे जो कंपाइलर पे अगर वो कंपाइल हो रहे तो गाइस उसका जो वर्जन है गाइस वो 290 वर्जन नहीं देखने मिलता है गाइस, बट आपको इस वाले में हमने जो है प्रोटोन मैंने जो है प्रोटोन क्लैंग यूज करा है भाई, इसीलिए आपको यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है कर्नल का यानी कि गाइस लिनक्स वर्जन का वो आपको देखने मिल जाता है। पे गाइस ये देख लो कि भाई ये आज ही हम लोगों ने बनाया भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि November 24 थर्सडे, तो November 24 गाइस आज ही है। तो इस बात करें इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे अपन फाइल्स में ओके, और यहाँ पे गाइस आपको प्रोटोन क्लैंग वाला जो है इसे आपको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो गाइस आपको क्या करना है भाई यहाँ पे डाउनलोड वाले फाइल पे क्लिक करना है और डाउनलोड आपका पे, और देखते हैं भाई कि इस कर्नल को फ्लैश कैसे करेंगे। और गाइस मैं पहले बता दूं कि मैं हूं अभी करंटली इवोल्यूशन एक्स के वर्जन 6.7 पे ओके, जो कि एंड्रॉइड 12 पे रन करता है, तो हम देखेंगे कि भाई ये कर्नल को हम उसमें कैसे डाल सकते हैं।
तो कैसे यार हम आ चुके हैं अपने फोन पे और मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि भाई मैं हूँ करेंटली वोल्यूशन एक्स के वर्जन 6.7 पे। ओके तो मैं यहाँ चलूंगा भाई सेटिंग्स में, यहाँ चलूंगा अबाउट फोन में, और यहाँ पे गाइज आप देख लो कि एंड्रॉइड वर्जन ये 12 है, और यहाँ पे गाइज मैं हूँ वोल्यूशन एक्स वर्जन 6.7, यहाँ पे गाइज देख लो कि मैं हूँ अभी एंड्रॉइड 12 पे, और भाई अभी देख लो इसमें जो कर्नल लगा हुआ है वो लगा हुआ है गाइज G7 करके जो कर्नल है, पता नहीं कौन सा कर्नल है वो लगा हुआ है यहाँ पे आप देख लो। ओके अब गाइज चलते हैं देखते हैं कि भाई अपन जो है प्रोटॉन क्लाइंट हाइड्रा कर्नल पे कैसे फ्लैश कर सकते हैं, जो कि भाई मैंने ही बनाया है तो क्रेडिट मेरे को ही जाता है। अब गाइस सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको आ जाना है अपने फास्टबूट मोड में, डिवाइस के फास्टबूट मोड में, तो आपको क्या करना है गाइस वॉल्यूम पावर बटन जो है उसे प्रेस करके रखना है, और यहाँ पे गाइस रीस्टार्ट में आ जाना है, और वॉल्यूम डाउन बटन जो है गाइस उसे प्रेस करके रखना है। तो गाइस आप कोई भी डिवाइस पे हो, एंड्रॉइड 12 वाले डिवाइस पे, एंड्रॉइड 12, 12 एल या फिर 12.1, या फिर गाइस आप MIUI 12.5 पे हो तो आपको भी सेम प्रोसेस करना है गाइस, आपको जो है आपके फास्टबूट मोड में आ जाना है। अब क्या करेंगे गाइस, चलते हैं अपने पीसी पे और देखते हैं TWR पे रिकवरी कैसे फ्लैश करेंगे। इस वीडियो के लिए गाइस मैं यूज करूंगा भाई येलो वाला TWR पे रिकवरी, आप जो है कोई सा भी TWR पे रिकवरी यूज कर सकते हो। चलिए भाई वो चाहिए अपने को जो कर्नल वाला जो फाइल है वो, तो उसको वो गाइस आपको जो है यहां से मिल जाएगा गाइस, यहां से ये वाला जो फाइल है आपको आके डाउनलोड कर लेना है कर्नल का जिप। और गाइस दूसरा फाइल जो चाहिए भाई वो चाहिए अपने को यहाँ पे TWR पे रिकवरी, तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है और इसे डाउनलोड कर लेना है, मैं दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब गाइस चलते हैं अपने पीसी के डेस्कटॉप पे और करते हैं भाई TWR पे रिकवरी को फ्लैश, क्योंकि गाइस हमने जो है अपने फोन को भाई फास्टबूट मोड में ऑलरेडी डाल रखा है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने पीसी पे, और भाई यहाँ पे देख लो कि मैंने दोनों ही फाइल जो है उसे डाउनलोड कर लिया है भाई। सबसे पहले क्या करते हैं भाई थीम TWR पे रिकवरी को क्या करना है भाई, विनरार सेलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो भाई मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा है तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो गाइस आपको जो है जैसे इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो भाई आपको जो है ऐसा फोल्डर बन करके आ जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है भाई, इसमें डबल क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस एक और फोल्डर होगा, और यहाँ पे गाइस फ्लैश BRP वाला जो फाइल है इसे डबल क्लिक करके आपको रिकवरी को फ्लैश कर लेना है। अब गाइस क्योंकि आपको आपका जो फोन है आपको अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट कर लेना है, ताकि गाइस आपका जो फोन में TWR पे रिकवरी जो है उसे वो फ्लैश हो पाए। गाइस यहाँ मैंने कनेक्ट कर लिया है अपने फोन को, और यहाँ पे देख लो कि भाई मेरा जो TWR है वो फ्लैश हो चुका है। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने डिवाइस के TWR पे रिकवरी में, और यहाँ पे गाइस अगर मैं चलूंगा इंस्टॉल में तो यहाँ पे देख, तो गाइस अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आ जाएंगे अपन इंस्टॉल में, और यहाँ पे गाइस अब जो है अपने कर्नल को कॉपी कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे देख लो कि मैं जो है इस कर्नल को यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में आकर के इसे पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे देख लो कि भाई मैंने जो है एक कर्नल को कॉपी कर लिया है गाइस। अब चलते हैं अपने फोन पे और देखते हैं भाई फ्लैश कैसे करना है। तो गाइस यहाँ देख लो कि मैं आ चुका हूँ अपने फोन पे, और यहाँ पे देख लो कि गाइस हमने जो है कर्नल को कॉपी कर लिया है। अब गाइस क्या करना है, आपको क्या करना है भाई, आपको सबसे पहले आ जाना है बैकअप में, और यहाँ पे गाइस मेक श्योर कि भाई आपका बूट जो है वो सिलेक्टेड रहे, और आपको स्वाइप टू बैकअप कर लेना है। अब गाइस आपको होम बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे गाइस आ जाना है इंस्टॉल में, और प्रोटॉन क्लैंग वाला जो कर्नल जो मैंने बनाया है इसे आपको सिलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। तो गाइस यहाँ देख लो कि भाई हाइड्रा का लोगो जो है वो आ चुका है, और यहाँ पे हाइड्रा कर्नल एट अमित की भी जो है वो लिख करके आ गया है। गाइस वेट करते हैं गाइस फ्लैश होने का। तो देख लो भाई हमारा जो है ये फ्लैश हो चुका है, और गाइस इसके लिए मैं बता दूं कि इसमें आपको रूट वगैरह करने का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा गाइस, ये स्टॉक जो इसका परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लो भाई मेरा जो है फ्लैश हो चुका है। अब गाइस आपको होम बटन प्रेस करना है और सिंपली रीबूट टू सिस्टम कर लेना है। यहाँ पे जो है बूट लोगो आ चुका है गाइस, अभी चलते हैं सिस्टम में और मैं दिखाता हूँ कि भाई हमारा कर्नल जो है वो चेंज हुआ है। तो गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सिस्टम में, अब चलते हैं भाई सेटिंग्स में और देखते हैं भाई कि हमारा कर्नल जो है वो चेंज। तो यहाँ पे आ जाएंगे गाइस अबाउट फोन में, और यहाँ पे गाइस चलेंगे एंड्रॉइड वर्जन में, और यहाँ पे गाइस देख लो कि हाइड्रा स्टेबल कर्नल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, जो कि गाइस एक प्रोटॉन क्लैंग वर्जन जो 13 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे गाइस ये कर्नल जो है मैंने बनाया है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो टिल देन टेक केयर।